नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी 4 के न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं नई खबर के साथ। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई लगातार सबूत जुटाने की कोशिश में जुड़ी है। इस मामले में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी समेत अभिनेता के स्टाफ के दो सदस्य कुक नीरज सिंह और हेल्पर दीपेश सावंत से पूछताछ की जा रही है। रविवार को दूसरे दिन भी इन दिनों में पूछताछ का सिलसिला जारी रहा था। तीनों के बयान से विरोधाभास होने के बाद सीबीआई की टीम उन्हें लगातार दोबारा सुशांत के बांद्रा स्थित घर पहुंची। अब खबर है कि सीबीआई सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आज सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती को समन भेजकर उनसे पूछताछ कर सकती है। सुशांत के पिता ने पटना में रिया चक्रवर्ती के घर के केस में मुख्य आरोपी बढ़ाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई अब रिया से पूछताछ के दौरान यह कोशिश करेगी कि जो भी सच है वो सामने आए। न्यू दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि अब जब सरकार निर्देश देगी वह परिचालन बहाल करने को तैयार है। डीएमआरसी का यह बयान है कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहा था कि कोविड-19 से उत्पन्न हालात में सुधार होने के बाद उत्पन्न हालात में सुधार को देखते हुए प्रायोगिक तौर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बहाल की जानी चाहिए और उम्मीद है कि केंद्र जल्दी इस पर फैसला लाएगी। डीएमआरसी के कार्यकारी निदेशक अनुजा दयाल को उद्धृत करते हुए बयान में कहा गया, जब भी सरकार का निर्देश मिलेगा डीएमआरसी परिचालन शुरू करने को तैयार है। तो देखते रहिए एटीवी 4 के न्यूज़। तो मिलते हैं नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।